रीजन व्हाई यू नीड टू वॉच नारुतो। इनमें से उनमें से दिखना मैं चाहता नहीं, जिस दिन है सब यहाँ तोड़ूंगा मैं वादा नहीं। अपनों से किया जो चार पाँच साल पहले, माना कैसे भूलूं वो भूलूं तो भी जाता नहीं। वास्ता नहीं किसी से भी रखता हूँ काम खुद से, फुर्सत भी खाने का नहीं मिलता आराम से। लिख लेता पन्नों पे दर्द मेरा, रातों को पेश वही करता जो तुम अभी सुन रहे हो। मुझको नहीं लगा था टिक पाऊंगा ज्यादा, मैं शुरुआती तानों से टूट चुका आधा। मैं था तुझ में दम तो फिर सामने क्यों आया नहीं, या तूने सोच लिया जाके कुछ फायदा नहीं। Finally, मैंने नारुतो कंप्लीट कर दी और अब मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा। So hey guys, कैसे हो आप? स्वागत है आपके न्यू वीडियो में। और यार आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों नारुतो देखना चाहिए। सीधे शब्द में बोलना ब्रो कि तू नारुतो का रिव्यू बना रहा है। लगता है चोरी पकड़ी गई। तो दोस्तों, इस एनिमे का जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है जी, उसका नाम है नारुतो। वो बनना चाहता है होकागे। और यार ये एनिमे आपको बताएगा कि जिस बंदे के पास कोई भी पेरेंट्स नहीं रहते हैं, वो कितने सारे पेन को झेलता है। और नारुतो सीरीज इस चीज़ को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई है जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ। और आगे चल के नारुतो होकागे बनता भी है, ये एक स्पॉइलर नहीं है, ये एक नेवर गिव अप का एक घर है। नारुतो सीरीज यार ये एक कमाल की सीरीज है। इस सीरीज में आपको भर भर के मोटिवेशनल क्वार्ट्स देखने को मिलेंगे और जो इसमें फाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा कमाल के हैं कि मैं क्या बताऊँ। नारुतो के हर एक फाइट में आपको इमोशनल देखने को मिल जाएगा, जो कि इस एनिमे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है। और इस सीरीज की जो OSTs रहती है ना, वो बाप हैं, वो मुझे फेरी टेल से भी ज़्यादा पसंद है। वैसे मैंने फेरी टेल के अभी 10 एपिसोड देखे हैं। तो यार देखो, मुझे पहला आर्ट जो नारुतो सीरीज का बहुत ज़्यादा पसंद है वो है जाबुजा का। मतलब यार जाबुजा आर्ट इतना ज़्यादा कमाल का है कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ पे आपका एक बार चूतिया भी कट सकता है। बता नहीं सकता भाई, स्पॉइलर हो जाएगा। तो बेसिकली यार जाबुजा आर्ट बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और इमोशन देखने को मिलेगा। आप अपने विलेन के लिए भी रो दोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। और बहुत लोग कहते हैं कि यार नारुतो सीरीज बहुत बोकस है, तो यार इनको ये बोलूँगा एटलीस्ट सीजन 1 तो देख लो नारुतो का। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यार। वेल, मुझे नारुतो की सेकंड आर्क जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है नारुतो सीरीज़ मतलब नारुतो का फर्स्ट पार्ट समझ सकते हो ना, कि नारुतो सिर्फ दिन। तो देखो यार, जो सेकंड आर्क है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है चुनिन एग्ज़ाम वाला। मतलब उस आर्क में आपको मेन विलन ओरिचामारू को भी दिखाया जाता है, जो कि ओरिचामारू सास्के को हथियाना चाहता है और वो हथिया भी लेता है। लेकिन जो ओरिचामारू का प्लान रहता है वो ये रहता है कि वो सास्के की बॉडी को कैरी करेगा। लेकिन जो सास्के रहता है वो ओरिचामारू के पास इसलिए जाता है कि वो अपने भाई इताची को हरा सके और उसे मार सके, क्योंकि इताची ने उसके पूरे मम्मी पापा को मार दिया रहता है और उसके पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया रहता है। वेल, आगे क्या होता है, गुड़पी में हुड़पी हो जाएगा आपका, तो नारुतो देख लेना। तो यार इसीलिए सास्के ओरिचामारू को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन जो अपना नारुतो रहता है वो उसको रोकता है, क्योंकि नारुतो जानता है कि ओरिचामारू उसको बाद में मार देगा और सास्के की बॉडी को वो फिर कब्जा कर लेगा। बिकॉज जो सास्के है उसके पास काफ़ी सारे हाईटेक पावर हैं, मतलब जिसके पास शारिंगन, बेसिकली शारिंगन बहुत कमाल का आंख होता है जो कि वो अपोनेंट के कोई भी अटैक को प्रेडिक्ट कर सकता है। और भी बहुत सारी एबिलिटीज हैं बिकॉज सास्के एक उचिहा जो है। वेल यार, ये है नारुतो सीरीज। अब मैं बात करूँ नारुतो शिपुडेन के बारे में, तो यार जो मुझे पहला आर्क जो सबसे ज़्यादा पसंद है, वैसे तो मुझे सारे एपिसोड बहुत पसंद है विदाउट फिलर। तो देखो यार, जो मुझे पहला आर्क नारुतो शिपुडेन का पसंद है वो है पेन आर्क। यू शुड नो पेन, मतलब आप जुराया दादू के लिए। वेल, मैं स्पॉइलर क्यों दे रहा हूँ यार। वेल, अगर मैं बात करूँ नारुतो शिपुडेन के पेन आर्क के बारे में, मतलब इस वाले में ना जो अपना पेन रहता है वो एकदम लगा देता है, एकदम कोनोहा की लगा देता है। ऑल माइटी पोस्ट दैट ओपी यार। मतलब जो पेन रहता है वो भी काफ़ी सारा पेन झेला रहता है। वेल, मैं बता रहा हूँ, नारुतो के हर एक विलन की एक कमाल की बैक स्टोरी भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको सैड भी कर सकती है, जो कि नारुतो का एक खास बात है। नारुतो के हर एक ओकागे से लेके हर एक कागे, उनके बैक स्टोरी को तो नारुतो सीरीज में दिखाया गया है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि यार ये एक कमाल की एनिमी है। तो यार अगर मैं बात करूँ मेरी नारुतो शिपुडेन और नारुतो पूरी होल सीरीज की जो फेवरेट आर्क है वो है वॉर आर्क। आई लव मर्डरा उचिहा। मतलब
फाइटिंग में यार, ना कि उस तरह। वेल अगर मैं बात करूँ माडारा उचिहा के बारे में, इस बंदे ने अकेले पूरी आर्मी को ख़त्म करके रख दिया था, लगभग तहस महस कर दिया था। माडारा लाइक गॉड, और वो बन भी जाता है गॉड, लेकिन उसके बाद उसका चुतिया कट जाता है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। वेल मैं अगर बात करूँ माडारा उचिहा के बारे में, सबसे ज़्यादा तगड़ा बंदा है। वेल वार आर्क में आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फाइट देखने को मिलेगा, और एक्शंस तो बता नहीं सकता यार, बहुत ज़्यादा, और इमोशनल तो ये एनिमी कर ही देगा। लेकिन मैं भाई क्यों मैं देखूँ भाई, इसके तो 720 एपिसोड है, मैं नहीं देखता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नारुतो सीरीज़ के आधे से ज़्यादा एपिसोड फिलर्स हैं। फिलर्स वो एपिसोड होते हैं जिनको आप अगर स्किप भी कर दोगे तो मेन स्टोरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ज़्यादातर फिलर्स नारुतो के कुछ खास नहीं हैं, तो हाँ आप आंख बंद करके उसको स्किप कर सकते हो। तो यार अब आप फिलर लिस्ट को कैसे जानेंगे, तो यार मैं वहाँ पे लिंक डाल दिया हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो यार वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। और यार ओवरऑल मैं बताऊँ ना तो नारुतो सीरीज़ एकदम कमाल का है, और मैं साकुरा के बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूँ। ये क्या है यार, सट्टी है। वेल यार ये है आज का वीडियो, और आपको तो उत्तर मिल ही गया होगा आशा मैं करता हूँ कि आपको नारुतो क्यों देखना चाहिए। नहीं मिला, बिकॉज वाई यू नीड टू वॉच दिस एनिमी, बिकॉज नारुतो इज मास्टर खत्म, गुड बाय, गया। ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी 2000 फैमिली मेम्बर पूरे होने वाले हैं, तो यार जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम भी 2K हो जाएं और हम भी थोड़ा एटीट्यूड भोंक सकें। खैर यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @hindustaniotaku1, कुछ भी नहीं जाएगा, बस आपका एक फॉलोइंग बढ़ जाएगा, चैटिंग भी कर सकते हो मुझसे, और मैं जल्दी ही अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बना लूँगा। और यार वीडियो आने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, तो यस वीडियो थोड़ी लेट आएंगी, एक हफ्ते में एक वीडियो डालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो यार अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।